अपने मैदे या स्टमक से सांस लेते हैं। देखिए आप सांस लेते, देखिए कौन सा हिस्सा बोल रहा है, पेट ना, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमारा दिल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे फेफड़े या लंग्स खाना हजम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जिस तरह हमारे कान सांस सूंघते हैं और आंखें सुनती हैं और हाथ से चलते हैं और पैर से पकड़ते हैं। जब उन चीजों से वो काम नहीं हो सकते तो सोचने का काम भी दिमाग से नहीं हो सकता। पहले हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज थिंकिंग, सोचना किसको कहते हैं। परसों एक सवाल आया था इससे पहले कि जिंदगी क्या है, आप लोगों को मालूम था उसका जवाब क्या है? लेकिन जिंदगी को कहां ढूंढ रहे थे? के ढूंढ रहे, अगर मिली तो ले लेंगे और जीना शुरू कर देंगे, नहीं मिली तो वैसे भी मरना ही है, बगैर जिए। तो बिल्कुल उसी तरह आप सोचने को व्हाट इज थिंकिंग जब तक डिफाइन नहीं किए आप सोच नहीं सकते। लेट अस डिफाइन थिंकिंग, बाद में हम सोचेंगे। हमको जब सोचना आ जाएगा तो सोचेंगे, ठीक है? सोचना आएगा तो सोचेंगे कि किस हिस्से से सोचना है। लेकिन अभी तक दिमाग से सोचते हैं, ब्रेन से सोचते हैं, ये आपको कहां से मालूम हुआ? सोचने से मालूम हुआ? ये आपका एक्सपीरियंस है? कहां से मालूम हुआ? ये बहुत जबरदस्त धोखा है। हम जो समझ रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, इट इज अ डिसेप्शन, ये एक फरेब है, ये एक धोखा है। इसीलिए पहले हमको ये सोचना है, ये समझना है कि सोचना किसको कहते हैं। सबसे मुश्किल जो काम है, सबसे खतरनाक या सबसे फेटल या दुख वाला जो इवेंट हो सकता है वो है मौत, मर जाना, सही है? लेकिन मेरे पास मर जाना कोई दुखी इवेंट नहीं है, दुख का वाकया नहीं है। वजह यह है, प्लीज बातें मत कीजिए आपस में, दुख इस बात का नहीं है कि मरना है या मर जाते हैं, दुख इस बात का है कि कभी जिए ही नहीं थे और मरना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि बिना जिए मर रहे हैं। तो बिना जिए मरना भी क्राइम है, अक्यूजेशन है, जुर्म है, एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि भाई आप तो कभी जिए ही नहीं, आप क्यों मर रहे हैं? क्योंकि आपका जीना और मरना, आप तो कभी जिए ही नहीं। तो जो सोचना नहीं सीखे वो जिए नहीं, और जो जिए नहीं खामखा मरने का इल्जाम उन पे आ रहा है। लेकिन मरने से, मौत से छुटकारा नहीं है, इसीलिए मरना पड़ रहा है। अगर 1000 साल भी जीते तो भी सोचने की नौबत नहीं आती। तो सोचना है क्या, कहां से सोचते हैं? अच्छा, सोचना क्यों पड़ता है? Why we need to think? सोचना क्यों पड़ता है?
जी जी नहीं, सोचने का, थिंकिंग का कोई पर्पस होता है कि हम क्यों सोचते हैं। सोचना क्यों पड़ता है, क्यों सोचना पड़ता है? क्यों सोचना पड़ता है? जी ठीक है, कोई गोल, कोई एम अचीव करना है तो हाँ ठीक है। तो सोचना पड़ता है कोई डिसीजन, कोई फैसला करने के लिए। लेकिन ये फैसला कैसा होता है, ये डिसीजन क्या होता है? ये सब रैंडम है, रैंडम बातें हैं, ये अंधेरे में तीर चलाने के जैसा है। लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो वैसे भी कौन सा लगने वाला था, वैसे भी लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो मालूम है क्या वो भी गलती होगा। फैसला, मैं फोकस ही सिखा रहा हूं। आप फोकस किए अपने ऊपर तो कुछ चेंज लाए, अब जो जो फोकस किए वो लोग चेंज लाए। डिसीजन किसको बोलते हैं, फैसला किसको बोलते हैं? ये छोटे छोटे चीजें हैं जिससे मिलके जिंदगी बनती है। एक चीज होती है पास्ट, क्या होती है? पहले जो चीजें हो चुकी हैं उसमें आप जाके कुछ कर सकते हैं, कुछ चेंज ला सकते हैं, आप फ्यूचर को देख सकते हैं। आप माजी में जाके कुछ कर नहीं सकते और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसका मतलब है माजी हो चुका, आगे क्या होने वाला है Nobody knows। और आपको फैसला किसके बारे में करना है, फ्यूचर के बारे में। वहां आप जानते हैं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये है आपके सामने कई चीजें रख दी है, ठीक है। अब आप अगर ये बोल रहे हैं कि इसमें से देख के हम फैसला कर रहे हैं तो वहां पर सोचने की भी गुंजाइश नहीं है, वहां पर फैसला करने की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप ये डेली, आप डेली वो चीज करते हैं, रिपीट करते हैं वो चीज, और वो चीज पास्ट में लाखों दफा, हजारों दफा हो चुकी है। तो डिसीजन और फैसले का मतलब यह है कि आपको एक ऐसा फैसला करना है जो अभी तक हुआ नहीं, और ये आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त चेंज लाने वाला है। और वो चेंज और वो फैसला आपको बहुत सारे रिस्क से दो चार करने वाला है, बहुत सारे रिस्क, खतरे। क्यों? क्योंकि आप जिन लोगों को रोज फेस कर रहे हैं वो आपको देख चुके हैं, लेकिन आप एक इतना बड़ा अब रिएक्शन से निकलना पड़ता है कि आप इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं जिसमें खतरे भी हो सकते हैं। फ्यूचर है, आप जानते हैं फ्यूचर नहीं जानते, खतरे भी हो सकते हैं, लेकिन आपने फैसला कर लिया कि एक चेंज लाना है
हमने सिर्फ माजी देखा है, मुस्तकबल नहीं जानते, लेकिन हमको मुस्तकबल में ये चेंज लाना है, ये करके छोड़ना है, और हर कीमत पे, हर कीमत पे वो करना है। और आप हर कीमत पे जब वो करना चाहते हैं तो आप जिस चीज को हर कीमत कह रहे हैं, एट एनी कॉस्ट, अब आप बताइए ये कॉस्ट कौन सेट करेगा, कौन फिक्स करेगा? आप खुद। आप उसकी क्या कॉस्ट दे सकते हैं ये बताइए, देन आई विल गो अहेड। अगर आप उस वो कॉस्ट नहीं दे सकते हैं तो बात करना ही फजूल है। आप क्या कॉस्ट दे सकते हैं, आप क्या कीमत दे सकते हैं, आप क्या दाव पे लगा सकते हैं, वॉट रिस्क यू कैन टेक। तो जब तक आप फ्यूचर डिसीजन के लिए, चेंज के लिए रिस्क नहीं मोल लेंगे, और वो रिस्क आप खुद नहीं सेट करेंगे कि कितना रिस्क आप मोल सकते हैं, उसके लिए कितनी कीमत आप अदा कर सकते हैं, आप एक कदम उठाएंगे? जो लोग आपको जानते हैं आसपास दूर दराज सब वाले बोलेंगे अरे ये क्या सोच रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेवकूफ हो गए, सब ठीक है, क्यों जो है इतना बड़ा अपने आप को जो है, क्यों अपने आप को महरूम कर रहे हैं, क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो आप कितने लोगों की बातें सुन सकते हैं और अपने डिसीजन में फर्म रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, दैट इज द कॉस्ट। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कभी जिंदगी को फेस नहीं कर सकते, जिंदगी का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दूसरों का रिएक्शन का सामना करना है। सही है, जो दूसरों के सिर्फ रिएक्शन का सामना करके रुक जाए वो इंसान जिंदगी का क्या सामना करेगा, वो इंसान जिंदगी का क्या सामना करेगा? जो इंसान खाली अपने महल्ले के, आबादी के, डिस्ट्रिक्ट की टीम से हार मान जाए, वो इंसान क्या जो है ओलंपिक ट्रैक पे दौड़ेगा? इम्पॉसिबल। तो फर्स्ट डिसीजन, इसीलिए कोई आपको डिसीजन लेके नहीं देगा कि आप ये करो, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद सेट करना पड़ेगा, और इसी काम के लिए हमको सोचने की जरूरत पड़ती है। हमको आज तक सोचने की नौबत इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लकीरें खींची हुई थी, रास्ता मालूम था, उन्हीं जो है मानुष राहों में, फैमिलियर पेव्ड जो सड़क है सब उस पे चल रहे हैं, तो हम भी उसी पे चले, वो एक कॉमन एरिया है जिस पे सबको चलना पड़ता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी एक यूनिक ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी एक बहुत कीमती ज़िंदगी है, आप की ज़िंदगी का मकसद अगर आप सोच समझ के तय नहीं करेंगे तो आप एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह चलाए जाएंगे। लेकिन आप सोच के समझ के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रुक के सोचना पड़ेगा। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो
आपके सामने रेसिस्टेंस आएगा। रेसिस्टेंस का मतलब मुखालिफत होगी, मुखालिफत होगी, मुजाहमत होगी। आप जो चल रहा है आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, और अगर जो चल रहा है वो गलत हो और आप अकेले किसी तरफ सही जा रहे हो तो आप अकेले उस तरफ जाना नहीं चाहते क्योंकि आप अकेले हैं। और हमेशा इंसान को एक्शन अकेले ही लेना पड़ता है, अकेले ही लेना पड़ता है। तो यहां पर रेसिस्टेंस, आप कितनी देर रेसिस्टेंस कर सकते हैं? एक दफा, दो दफा, दस दफा, पच्चीस दफा। जब आप सोचना चाहेंगे तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आएगा। आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग आपके पास से ये सोच के छट जाएंगे कि इन्होंने जो मुश्किल काम लेके बैठे, इतना बड़ा फैसला किया है और जो खतरों से ये दो चार होने वाले हैं, अगर इनके साथ रहे तो वही खतरे भी हमको, वही खतरे हमको, वो कर रहे हैं। तो आप असल में एक कंफर्ट जोन में थे, इसीलिए बहुत सारे लोग कंफर्टेबल आपके साथ थे, बट नाउ यू केम आउटसाइड द कंफर्टेबल जोन। कंफर्ट जोन के आप बाहर आ गए और कोई अपना आराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आपका साथ, आपका साथ नहीं है, क्योंकि आपने तय कर लिया कि आई एम रेडी टू पे माय लाइफ एज ए कॉस्ट, कि अपनी जिंदगी भी मैं दांव पे लगा सकता हूं लेकिन ये चेंज लाए बगैर, अपने आप को बदले बगैर नहीं रह सकता। तो उस वक्त आपके साथ वाले, आपके साथ खाने वाले, पहनने वाले, तारीफें करने वाले सब जो है वो सोचेंगे, कह रहे इनकी बात अगर सच मान लिए तो, सच मानने के बाद फिर हमको भी अगर हम इख्तियार नहीं करेंगे तो कंट्रडक्शन होगा, और जब सही है तो क्यों नहीं करें। इसीलिए उस चीज को सही मानो ही मत। क्यों? क्योंकि मानेंगे तो करना पड़ेगा, मानेंगे तो करना पड़ेगा, इसीलिए सब आपके खिलाफ, पहले अलग अलग थे सब, ठीक है, अब आपके खिलाफ सब एक हो जाएंगे। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, आपका हौसला तोड़ने के लिए। लेकिन अगर आप अपने साथ हैं तो आपको पूरी दुनिया की मुखालिफत भी मंजूर होती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि अब आप फेक यू से सामना नहीं कर रहे जिंदगी का, आप रियल यू से सामना कर रहे हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आज रात में फंक्शन है तो आप यहां से उठ के सीधा बस पकड़ के, बस में खड़े होके एक घंटा, आपके बाल ये हो गए, चेहरे पे जो है वो गाड़ियों का धुआं, ये वो एक लेयर चढ़ गई, और आप किसी को मुबारकबाद देने आपको जाना है और आप उसकी खुशी में शरीक होना चाह रहे हैं, किसमें? खुशी में शरीक होना चाह रहे हैं। लेकिन क्या आप ऐसे इसमें जा सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं जानते हैं? क्यों नहीं जा सकते आप? तो बात यह है कि बात अगर आप अ
अपने ट्रू यू के साथ हैं, रियल यू के साथ हैं, आप अपने सचमुच आप हैं अपने साथ, तो आप किसी भी हाल में जा सकते हैं क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आप सबसे डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन उसमें बुराई क्या है? तो हम एक ट्रेंड पे चलते हैं और इतना चलते हैं कि उस ट्रेंड के खिलाफ जाने को भी जुर्म समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो लोग जो बोलेंगे वो सही होगा और हम जो करेंगे वो गलत ही होगा। तो हम वहां अपने आप को अपनी नजर से नहीं देख रहे हैं, अपने आप को किसी नजर से देख रहे हैं, दूसरे की नजर से देख रहे हैं, इसीलिए हम दूसरों के कंट्रोल में हैं। अब वो मुझसे ये भी करवा लिए, ये भी करवा लेंगे, वो भी करवा लेंगे, अब मैं पहन रहा हूं तो उनके लिए, उनकी बातें उनसे बचने के लिए। हाउ, इसमें आपकी सोच कहां है? आपकी सोच कहां है? आपकी सोच क्या है? सस्पेंड का मतलब क्या है? कि किसी को उसके काम से रोक दिया गया। आई एम गिविंग गारंटी के 100% ऑफ द पॉपुलेशन 0.011 आ सकता है, लेकिन वो काउंट में नहीं है, इसीलिए 100% ही नियरेस्ट फिगर है। जिनकी सोच, जिनकी थिंकिंग सस्पेंड है। अगर आप सस्पेंड अपनी सोच को रखेंगे तो आपकी सोच को काम करने का मौका नहीं मिलेगा, जो कि आपके रियल यू की एनर्जी है, पावर है, सचमुच आप वही हैं जो आप सोचते हैं और फैसला करते हैं, वही आप हैं। जहां आपकी सोच और आपके फैसले नहीं होते वहां पर सब रेडीमेड है, फेक यू है, वो सिर्फ नजर आ रहा है लेकिन फैसले किसी और के हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके फैसले सस्पेंडेड हैं। तो ये जब तक इसको रीइंस्टेट नहीं करते, दोबारा इसको अपने काम पे नहीं लगाते, हमारे सोचने और समझने की ताकत को, उस वक्त तक हम जीते जी भी जीते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ सबको जिंदा नजर आते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सब किसकी मर्जी से हो रहा है? दूसरों की। वक्त किसका है? वसाइल किसके हैं? मींस पैसा किसका है? जिंदगी किसकी है? सब कुछ हमारा है, लेकिन उस पर किसकी नजर से देख के उसको सब दूसरों पर कंट्रोल कर चुके हैं? यकीन कीजिए, जब आप रियल यू से फेस करेंगे कि दिस इज मी, 50 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, एक दफा बोलेंगे, दो दफा बोलेंगे, 100 दफा बोलेंगे, उस दिन वो बोलते रहेंगे और आप करते रहेंगे, यहां तक के आप उनको मनवाने के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप तो जिंदगी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आप वक्त बचा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, वसाइल बचा रहे हैं, अपने ऊपर जो प्रेशर है वो आपको मालूम है। ये सब जिसको हम फेस कर रहे हैं वो क्या है, क्या है ये? हम ये सब कर रहे हैं किसके लिए? कि जिस दिन हम वैसा नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, उस दिन हमको दबाव आएगा, लेकिन क्या अब हम दबाव में नहीं है? और कम है वो, कम है वो, ठीक है। 25 साल के बाद आप उनके प्रेशर में ये सब कर रहे हैं, 25 साल के बाद आप अपनी मर्जी से करना चाहेंगे, तो फिर भी आपके साथ वही होने वाला है, तो क्यों ना वो आज से लोगों के रियलिटीज देख ले कि अगर हम ऐसे हो गए तो इनो कैसे हो जाते, इनो कैसे होते, इनो कैसे होते, आज ही देख लेना अच्छा है या 25 साल के बाद देखना अच्छा है? देन यू स्टार्टेड लिविंग, आपने जीना शुरू कर दिया। अगर आपने लाइफ को फेस करना शुरू कर दिया अपने रियल यू के साथ, बगैर बनावट के, बगैर अपने रिसोर्सेस को बर्बाद किए, मैं यहां कंजूसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां
लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर क्या होता है इसको समझने की जरूरत है कि ये प्रेशर हमको क्या कर देता है। जब हम वो नहीं करते हैं जो हो रहा है, जो चलन है, तो हम समझते हैं कि हम वो प्रेशर हम फेस नहीं कर सकते, इसीलिए अच्छा है कि जैसा हो रहा है वैसे हम भी रहें। लेकिन ये भी प्रेशर के अंडर में नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इससे कुछ रिजल्ट निकल रहा है। तो हम फिर जब प्रेशर फेस ही कर रहे हैं तो वो प्रेशर क्यों फेस नहीं करें जो जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो रिजल्ट क्रिएट करता है। तो जब आप अपने रियल यू के साथ सोचना शुरू करेंगे तो आप फोकस में आएंगे, आपके एक्शंस आप खुद लेंगे और आप रिजल्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? रिजल्ट क्रिएट करेंगे। आप फोकस में आएंगे और रिजल्ट क्रिएट करेंगे तो दैट इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी कोई मटेरियल से बनाने की चीज नहीं है, वो भी बनाइए आप, वेस्ट मटेरियल से कुछ बना दीजिए, क्रिएटिविटी वो भी है। लेकिन रियल क्रिएटिविटी वो है कि आप अपनी सोच कैसे बदलते हैं और अपने आप को फोकस में लाके कैसे रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मालूम? क्या करना पड़ता है? अगर आप क्रिएट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? आप क्रिएट करना चाह रहे हैं कुछ, सही है, क्रिएटिविटी आप चाह रहे हैं, तो किस चीज को छोड़ के क्रिएटिविटी कर रहे हैं? अभी कुछ हो रहा नहीं हो रहा है तो क्या छोड़ना पड़ेगा ताकि क्रिएट हो, क्रिएटिविटी आए? जी जो जो चलता आ रहा है और हम बगैर सोचे समझे, सिर्फ इसलिए कि हम समझ रहे हैं ये सेफ्टी है इसके अंदर, क्यों उलझो, क्यों परेशान हो, क्यों रेसिस्टेंस मोल लो, क्यों लोगों की जो है बातें सुनो जो लग रहा है, चलो सब जो कर रहे हैं हम भी, सब जो कर रहे हैं हम भी वही करें। जब आप क्रिएट नहीं करते हैं तो आप रिपीट कर रहे हैं, और आप रिपीट जब करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? जब आप इसको 10 साल 15 साल 20 साल ये मशीन आप यूज नहीं करेंगे तो मशीन रहेगी, जब आप उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो मशीन काम ही नहीं करेगी। तो हम चीजों को इतना रिपीट किए हैं बगैर समझे, बगैर बूझे, बगैर फैसले किए, क्योंकि रिपीट करने के लिए आपको फैसले करने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिएट करने के लिए फैसले करने की जरूरत है। क्लियर? दैट्स व्हाई व्हाई डू वी नीड टू थिंक टू ब्रिंग ए चेंज, छोटा चेंज नहीं, ए मेजर चेंज विच जहां आप जिंदगी का सामना कर सकें, फेस कर सकें, चैलेंज कर सकें, और उसके रास्ते में जो जो चैलेंजेस हैं उसको कबूल कर सकें, उसको एक्सेप्ट कर सकें। और जब वो चैलेंजेस आप कबूल करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी आपको वो चैलेंजेस को हैंडल करने में, आपकी क्रिएटिविटी आपको जो है ना वेस क्रिएट करके देगी, रास्ते बना के देगी। लेकिन जब आप सिर्फ रिपीट करेंगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी की एबिलिटी है वो इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए हमको ये नहीं मालूम
कि हम आखिरी दफा कब सोचे थे, आखिरी दफा आप कब सोचे थे और क्या सोचे थे जी? क्या सोचे थे आप आखिरी दफा? क्योंकि सोचने का अमल बहुत पहले से सस्पेंडेड है, खत्म है, रुका हुआ है। इसीलिए हम सिर्फ चीजों को रिपीट के बारे में सोचते हैं, इवेंट्स का इंतजार करते हैं, ताकि अरे वो 6 महीने पहले हुआ था, नहीं बहुत अच्छा दिखा था, फिर वैसा हुआ तो फिर अच्छा था, बहुत दिन से फंक्शन आने की कोई शादी वादी नहीं हुई, हुई तो थोड़ा चेंज आता था, यानी कि जो पास्ट में हो चुका है वही, और जब हो चुकेगा वो भी पास्ट हो जाएगा ना, फिर हम फ्यूचर में क्या चाहेंगे, वही जो भी चीज फ्यूचर में होती है, जो पास्ट में हो चुकी है, दैट इज नॉट ए लाइफ, दैट इज रिपीटेशन। यानी कि आप कभी फ्यूचर देखे ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर में भी आप वही देख रहे हैं जो, तो पास्ट में और फ्यूचर में कोई फर्क है? सो देर इज नो क्रिएटिविटी, बिकॉज देर इज नो फोकस, बिकॉज देर इज नो थिंकिंग। तो आप सोचने को छोटी चीज समझ रहे हैं? स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट थिंकिंग। सोचने के लिए आपको कोई बड़ा घर नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। सोचने के लिए सिर्फ आपका होना काफी है, यू एंड रियल यू, आप और वो आप जो जो नजर नहीं आता, जो नजर नहीं आता वो अगर आपको मिल गया तो समझिए कि आपको सब कुछ मिल गया। और आपको सब कुछ मिल गया लेकिन वो नहीं मिला जो आपके अंदर है, तो समझिए कि आपको कुछ भी नहीं मिला, आप रिपीटेशन में रह जाएंगे। तो यहां पर एक छोटी सी स्टोरी है, एक तोते की और शिकारी की। बोला मैं, एक शिकारी था, रोज जंगल को जाता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था, परिंदे फंसते थे उनको लाके बेचता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन शिकारी जंगल को गया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला, कुछ परिंदे फंसे, जमा करने के लिए शाम में अपनी बुट्टी बास्केट लेके गया, परिंदों को बास्केट में जमा किया, जाल रोल करके जमा कर लाने के लिए जाल समेट रहा था, तो जाल के कोने में हरी घास पे एक छोटा सा तोते का बच्चा उसको जाल में फंसा हुआ मिला। तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैं तो परिंदों के लिए जाल बिछाता हूँ जो दाने के लिए आके फंसते हैं उड़ते हुए, ये बेचारा तो अब इसके पूरे पर भी नहीं निकले, इन्हें उड़ भी नहीं सकता, मैं ये जाल तो इसके लिए नहीं बिछाया था, फिर इन्हें कैसा इसमें फंस गया। तो देखा तो झाड़ था, झाड़ में घोंसला था, घोंसले में से वो छोटा सा तोते का बच्चा जो है जाल में गिर के फंस गया था। तो सोचा मैं इसको बेचूंगा नहीं, इसको पाल लूंगा, बच्चा छोटा था, वो सोचा कि इसको पिंजरे में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उड़ नहीं सकता, इसको कैद में क्यों रखूं, घर में रहेगा, उसको मालूम हो जाएगा कि यही उसका घर है, थोड़ी दूर दूर जाएगा वापस मेरे पास आएगा तो उसको मालूम हो जाएगा कि कहीं भी जाएगा तो मेरे घर में आएगा, क्योंकि वहीं पला, वहीं बड़ा, वहीं उसके पर निकले। तो तोते के बच्चे को ले गया, अपने घर में रखा, तोते का बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, उसके पर आने लगे, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा, वापस आने लगा। अब तोते का बच्चा ज़्यादा बड़ा हुआ तो दूर जाने लगा लेकिन वापस आने लगा, लेकिन शिकारी को फिक्र हुई कि कहीं मेरा तोता किसी और शिकारी के जाल में जाके फंस गया तो मुझको बहुत दुख होगा क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार से पाल रहा हूं। तो वो सोचा कि कोई ना कोई हल है इसका, कि इसको मैं आजाद भी रखूं और
फंसने भी नहीं दूं। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई, एक बल्ब जला के तोते तोता बात कर सकता है। वो सोचा मैं इसको सिखा दूंगा कि कैसे किसी भी शिकारी के जाल में फंसने से बचना है। तो वो कुछ जुमले बनाया। पहला जुमला वो बनाया कि उसको अच्छी तरह सिखा दिया, जब बोलने की उम्र को पहुंचा तो उसको सिखा दिया कि शिकारी आएगा। जब अच्छा याद कर लिया तो दूसरा जुमला सिखाया कि जाल बिछाएगा। जब अच्छा याद कर लिया तो तीसरा जुमला सिखाया कि दाना डालेगा। जब अच्छा याद कर लिया तो जिस मकसद से ये सब सिखाया था वो मकसद भी इसको बता दिया कि फंसना फंसना मत। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंस दाना डालेगा, फंसना मत, रोज सुनता था और छोड़ता था उसको घर से। अब उसको तसल्ली हो गई कि मेरा तोता जान गया कि ये शिकारी है, उससे दूर रहना है। ये जाल है वो मेरे लिए नहीं है, ये दाना है वो मेरे लिए चुगने के लिए नहीं है, उससे दूर रहना है क्योंकि मुझे फंसना नहीं है। लेकिन एक दिन तोता गया, शाम तक वापस नहीं आया, तो शिकारी उसको ढूंढने निकला। अरे मेरा तोता तो रोज आ जाता था, मैंने उसको बता भी दिया है कि फंसना कैसे नहीं है। तो जल्दी जल्दी सेट हो जाइए, नहीं तो रुक जाइए। उसको तोता जहां पानी पीता था, जहां बैठता था, जहां जहां हो सकता था उसको ढूंढा, नहीं मिला, तो अपने भागते हुए अपने दोस्त के पास गया जो वो भी परिंदे शिकार करता था। तो उसको बोला कि तुम जाल कहाँ बिछाए, पहले मेरे को वहां लेके चलो। तो उसको बोला कि मैं तो जाल फलां जगह बिछाया। तो उसको जल्दी लेके वहां गया जहां उसका दोस्त शिकारी जाल बिछाया था। तो उसको जाके देखते बोला कि देखो ये तोता मेरा है। तो बोला कि भाई सारे तोते एक जैसे होते हैं, तुम्हारा तोता है कैसा मालूम? तो बोला कि नहीं मेरा तोता बात कर सकता, उसकी निशानी है। तो बोला देखो अगर तुम्हारा तोता है, तुम्हारा निकला, बात किया तो लेके जाओ, वरना मेरा इससे गुजार बसर होता, मैं इसको बेच लूंगा। तो तोता सचमुच उसी का था। जब वो तोते को बोला कि मैं तेरे को इतना सिखाया था, अब बोल, बचना है तो बोल वरना बिक जाएगा। जब तोते को ये बोला कि बोल, तो आप लोग बताइए कि तोता क्या बोला होगा? बोलिए, ऐसा नहीं, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन कहां फंस के बोल रहा था? जाल में। फंसना मत, फंसना मत बोले कोई फायदा है फंसने के बाद? तो जिंदगी ये है कि आप आजाद भी रहे और जाल भी रहेगा, दाना भी रहेगा, शिकारी भी रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने से जुदा हो गए खुद से, उस दिन आप फंस जाएंगे। उस दिन आप किसी बाहर के जाल में नहीं फंसेंगे, अपने ही जाल में फंसेंगे। बाहर के जाल तो बहाने हैं। आदमी बाहर बाद में फंसता है, पहले कहां फंसता है? पहले अट्रैक्ट होके फंसता है। अगर मैं अट्रैक्ट नहीं होता, दाने में अट्रैक्ट नहीं होता, जाल में अट्रैक्ट नहीं होता, तो फंसने की नौबत आती? तो हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन मानते नहीं हैं कि हम फंसे हुए हैं। हमको बुलंदियां बुला रही हैं, लेकिन हम अपनी खुशी से उसके बाद सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दैट इज द ट्रूथ। जब हम फंस जाते हैं तो हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा काम कौन संभाल लेता है? शिकारी। सारा काम शिकारी संभाल लेता है, और हमको उसके बाद सोचना तो आपको बुलंदियों पे जाने के लिए पड़ता है। अगर आपको सिर्फ रेंगना है, क्रॉलिंग करना है, सिर्फ कंकर पत्थर और नीचे देखना है, तो आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचना उस वक्त पड़ता है जब आप एक ग्रेट चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर, जालों को फेंक देना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की फजा में, बुलंदियों में प्रवास करना चाहते हैं।
देन यू नीड क्रिएटिविटी. वहां आप जो चाहेंगे वो बनाएंगे, जो चाहेंगे क्रिएट करेंगे. लेकिन होपलेसनेस के साथ, नाउमीदी के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं. सबसे बड़ा जाल है कि हम अपने बाहर के बड़े माहौल को देख के हम क्या हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं कि हम इसमें कितना चेंज ला सकते हैं, अगर हम बदल भी गए तो कितना बदलेंगे. यहां बात बाहर के बदलने की नहीं है, यहां बात आपके अपने बदलने की है. बाहर की छोड़िए, वो बदलना नहीं बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है. आप अपने हाथ में जो है उसकी बात कीजिए कि आपके दिन कैसा गुजरता है, रात कैसी गुजरती है, वक्त कैसा गुजरता है, आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, आप सामान हैं या अपने आप को दूसरों के हाथ में दिए हुए हैं सामान की तरह, या आप इंसान हैं, अपने आप को खुद आप हैंडल करते हैं. हमको आईने में जो दिखता है वो मैं नहीं हूं, जो आईने में दिखता है वो कौन है, वो मैं नहीं हूं. और हम सिर्फ खुशकिस्मत हैं, आईने में देख के हम खुश हैं कि हम हैं और बहुत अच्छे हैं. इससे अच्छा क्या होना, इससे अच्छा तो फिर वहीं हम रुक जाते हैं. गुड इज एनिमी, गुड इज एनिमी ऑफ द ग्रेट. तो ग्रेट का दुश्मन दूर है, लेकिन वो ग्रेट के लिए फैसला चाहिए कि व्हाट कॉस्ट यू आर रेडी टू पे टू बिकम ए ग्रेट. ग्रेट का मतलब आपको महल नहीं मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, आपको आप मिल जाएंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप एक जबरदस्त ताकत महसूस करेंगे अपने अंदर. तो क्लियर आप अपने आप को कितना क्लियरली देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आईने की बात नहीं है. नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मिरर. किसकी बात है, हाउ क्लियरली यू कैन सी योर सेल्फ. सेल्फ का मतलब आपके अंदर का वो इंसान जो आईने में भी नहीं दिखता, आंख से भी नहीं दिखता, मशीन में भी नहीं दिखता, एक्सरे में भी नहीं दिखता, उसको कोई नहीं देख सकते. उसको देखना, उससे मिलना, उसको हासिल करना, उसको पा जाना, फिर उससे जुदा नहीं होना, That is, that brings a major change in your life. उसके बाद आप सारी दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं. चैलेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को छोटा बना दें, हकीर बना दें, लोगों की बेइज्जती करते फिरें. सिर्फ हमको फेस करना आ जाए कि जब हमारी मुखालिफत हो, हमको हमारे बारे में ताना दिया जाए. हाँ, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे. या परसिस्ट करेंगे. परसिस्टेंस का मतलब है आप अपने काम को जारी रखेंगे, बिकॉज आपने अपने आप से वादा किया है, किसी और से नहीं किया है कि आई विल ब्रिंग द चेंज एंड आई एम रेडी टू पे द कॉस्ट. बस इतना ही है. अगर आप बोले कि इतनी बड़ी कीमत देना पड़ रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, और वो कीमत क्या है, लोगों के रिएक्शंस, लोगों के रिएक्शंस. आप जब रिएक्शंस देखकर सरेंडर हो जाएंगे तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकेंगे. लेकिन जब आप बड़े काम का अहद कर लिए हैं तो आप सरेंडर नहीं होंगे. और सरेंडर नहीं होने के लिए
आप उनसे लड़ेंगे भी नहीं, उलझेंगे भी नहीं, सिर्फ अपना रास्ता खुद बना लेंगे बगैर अपनी एनर्जी वेस्ट किए, बगैर किसी से उलझे। और दिस इज द मोस्ट टॉप मोस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड। यही ट्रेनिंग दुनिया की सबसे महंगी और सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है, जिसको क्रिएटिविटी एंड फोकस कहते हैं, कि आपको अपनी एनर्जी वेस्ट किए बगैर अपने ओन वेस क्रिएट करना है, बगैर किसी का रास्ता खोटा किए, बगैर अपना रास्ता खोटा किए। आपको आपकी एनर्जी आप वेस्ट करेंगे तो आपको ऊपर जाने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? फिर आएगी तो यू हैव टू स्पेयर योर एनर्जी। असल में आप एनर्जी उनको बेकार लोग हैं इनसे क्या उलझना बोल के नहीं उलझ रहे, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल रेस्पेक्टेड फेलोस, ठीक है, वैसे ही हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छे हैं वो लोग सब। तो मैं ये सोच के इनके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना फजूल है बोल के हम एनर्जी नहीं बचा रहे। एनर्जी क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि हमको इससे दूसरे बड़े बड़े रिजल्ट्स, बड़े बड़े चेंज, बड़े बड़े एक्शंस क्रिएट करना है। तो हम उनको छोटा समझ के उनसे नहीं उलझ रहे, बल्कि हमको हमारे अपने काम है, हमको हमारे अपने काम है, उसके लिए वी नीड टू स्पेयर ईच सिंगल यूनिट ऑफ आवर एनर्जी। उसमें देखिए कि आप अपनी एनर्जी कितनी सेव कर सकते हैं। जब आप अपनी एनर्जी सेव कर लेते हैं तो दूसरे भी आपके साथ पॉजिटिव हो जाते हैं, दूसरे भी आज नहीं तो कल आपके साथ पॉजिटिव हो जाएंगे, और वो भी आपके जैसे क्रिएट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं थी और आज उनके सामने एग्जाम्पल है। तो हमको अगर एग्जाम्पल नहीं मिली तो हम एग्जाम्पल बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? दैट इज द ओनली चैलेंज, दैट इज द ओनली चैलेंज, दैट इज द ओनली चैलेंज, कि आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है और आपको एग्जाम्पल बनना है। जब आप एग्जाम्पल बनेंगे तो शुरू में लोग मजाक समझेंगे, क्यों? क्योंकि वो कभी ऐसा होते हुए वो लोग हैपनिंग होते हुए बनते हुए नहीं देखे। अगर आप ये बोल दिए कि अरे ये मैं बना सकता हूं, रहता हूं, लेकिन जब आप उनके सामने लेके बैठेंगे बनाते हुए, पहले बोलेंगे पागल हो गया बनाता, कहते दीवाना हो गया, जाके बाजार में लो 20 रुपये भी मिलता, कहीं को बना लेते बैठा हुआ होगा। लेकिन जब आप बना देते तो लोग इनकार कर सकते हैं, कर सकते हैं। असल में वो लोग किसी को बनाते हुए देखे नहीं, किसी को बनते हुए, इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। इसीलिए हम उनको छोटा नहीं समझते, उनको बेइज्जती के काबिल नहीं समझते। दे आर ओके, दे आर फाइन, दे आर वेरी गुड पीपल, बस वो किसी को पहले ऐसा होते हुए नहीं देखे थे। आप उनके सामने करके दिखा दीजिए, वो मान लेंगे और चाहेंगे कि वो भी आपके जैसे बनना चाहेंगे। हर गेम के रूल्स होते हैं नहीं होते हैं? गेम हमें खेल खेले पहले खेले पहले कभी खेले आप ये मेरे साथ ये खेल आज खेलेंगे। चलिए कौन खेलने तैयार है, किसको आता है? लाइफ इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, इसके अंदर चैलेंज में ही मजा है, चैलेंज नहीं है तो मजा नहीं है। इसके अंदर जितनी दुश्वारियां हैं ना वही मजे की हैं, जितना आराम है ना वो मजे का नहीं है। क्योंकि आराम मिल गया तो मैं कल भी क्या चाहूंगा, परसों भी क्या चाहूंगा, उसके बाद भी क्या चाहूंगा। तो इसका मतलब है मैं जो कल किया था वो भी आने वाले कल करूंगा, वो भी। इसमें कहीं क्रिएटिविटी है? और जिस दिन मुझसे आराम छीन लिया जाएगा उस दिन मैं सरेंडर हो जाऊंगा कि कुछ भी कर लो मेरे को मेरा आराम।
आपकी पूरी हौसला पूरा करेज आपका आराम आपको खत्म कर देता है। लेकिन आइए, कल मैं एक तकलीफ देखा और मैं इसको हैंडल कर लिया और आगे भी मुझे बता रहा है कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये छीन सकता है, तो मैं बोलूंगा अगर मेरे पास करेज है, हौसला है और मैं कुछ करना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? देखते हैं, लेट अस सी, देखेंगे कितनी बड़ी मुश्किल है। आएंगे तो सामना करेंगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा ना, बस इतना ही होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो मैं कल वो भी फेस कर लूंगा, उसके बाद उससे बड़ी भी फेस कर लूंगा, उसके बाद। तो इंसान इस तरह क्या हो जाता है? खतरों का खिलाड़ी हो जाता है। क्या हो जाता है? खतरों का खिलाड़ी हो जाता है, एडवेंचरर हो जाता है। आई एम ए ग्रेट एडवेंचरर, मैं एडवेंचरिस्ट हूं। मैं एडवेंचर से कम पे कोई चीज कबूल नहीं करता हूं। चलिए, इसके सिंपल रूल्स हैं, मालूम है ना? आइए कोई भी खेलिए, प्लीज कम। आपको खेल ही नहीं आता? मुझे नहीं मालूम आपको खेल शुरू करना था। ठीक है, मैं ये खेल में आप लोगों को कुछ लाइफ चेंजिंग दिखाना चाह रहा हूं। प्लीज, मैं बताना चाह रहा हूं कि लाइफ चेंजिंग मेथड क्या होते हैं। खेलिए, कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं मालूम। आप खेलना चाहते हैं तो खेलिए, आपको आता ही नहीं आता है। ओके, प्ले, इट इज अ गेम। क्या है ये? खेल है ये, क्या है? ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गए? नो प्रॉब्लम। इसमें एक हारा और एक जीता। आपको जीत के खुशी हुई? जीत के क्या होती है? मैं अपने अंदर सेट कर लिया था, नहीं मैं हारूंगा नहीं। मैं सेट कर लिया था कि मुझे, प्लीज बोलने दीजिए, जिताना नहीं है मुझे। मुझे मेरी, प्लीज डोंट टॉक, मेरी डिमांड थी खुशी। मैं खुशी से कम पे कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। माय लीस्ट डिमांड इज हैप्पीनेस। मेरी खुशी थी कि मैं इनको खुशी दूं, मैं इनको, तो मुझे खुशी मिल गई, नहीं मिल गई? कैसे मिली? इनको, इनको जीता के। तो मैं हारा? तो ये क्या है? ये गेम है। मैं गेम में तो इनको जीता सकता हूं और जीत के खुद भी अपने हिस्से की खुशी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये गेम है। लेकिन आइए, अब आइए, आइए, प्लीज फोकस, थोड़ा सा फिर दोस्त, प्लीज फोकस। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? फोकस। और क्रिएट कैसा होता है? नाउ दिस इज नॉट ए गेम, दिस इज ए, चलिए खेलिए। अब मेरे लिए गेम नहीं है कि मैं, अब मैं हारने के लिए तैयार नहीं हूं। अब मैं हारने के लिए, क्योंकि अब ये गेम नहीं है कि मैं किसी को, जीता भी तो मेरा कुछ नहीं गया, हारा भी तो कुछ नहीं गया। मेरी डिमांड खुशी थी, मुझे खुशी मिल गई। लेकिन अब क्या है? गेम नहीं है, क्या है? लाइफ। मैं हारने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी टू लूज। मैं खुद लाइफ कोच हूं। आई एम नॉट रेडी टू लूज।
मैं हारने के लिए तैयार नहीं हूं, और आप मुझे आप हराइए, ठीक है, आप मुझे हराइए। आप मुझे हराइए। अब क्या करूं मैं, प्लीज। नहीं 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 आप लोग गेम देखिए कि क्या होने वाला है। इनका फोकस किसके किस पर था, कुछ जीतने से ज्यादा मुझे हराने पे। लेकिन मैं बोल दिया कि दिस इज नॉट ए गेम, दिस इज लाइफ। वजह यह है के अब क्या मैं सर पकड़ लेके बैठ जाऊं, सर फोड़ लूं, ये मेरे को जिंदगी से बाहर ढकेल दिए, मैं कहां जाऊं, दुनिया तंग हो गई। तो जब भी हमको कोई जिंदगी से बाहर ढकेल देता है, हम क्या हो जाते हैं, होपलेस। क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो एक ही बॉक्स था और वो बॉक्स में से भी हमको बाहर ढकेल दिया, अब कहां जाना। सही है, लेकिन ये लाइफ है, इसमें आपको बहुत कुछ क्रिएट कर लेना पड़ता है। जिंदगी बंद नहीं है, इट इज ओपन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आपको कहीं भी जो है बंदिश नहीं है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन। क्योंकि हम जब गेम में थे उसके रोल सेट थे, क्योंकि वहां पर कुछ जिंदगी से लेना देना नहीं था, वहां सिर्फ गेम था। लेकिन जब आप जिंदगी में आ जाते हैं तो जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि कोई जीत गया तो आपको सरेंडर हो जाना है, हार जाना है। वो भी जीत सकता है, आप भी जीत सकते हैं, बल्कि कोई बहुत सारे लोग आपको हराने पे भी आ गए तो आप भी अपना रास्ता क्रिएट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस। कहीं से बंद है, गेम में बॉक्सेस हैं, कहीं जिंदगी में है, जिंदगी में बॉक्सेस हैं। आप अपने साथ होंगे तो आपको हर तरफ ओपन ही ओपन नजर आएगा, कहीं भी बंदिशें नजर नहीं आएंगी, कहीं भी बैरियर्स नजर नहीं आएंगे। ऑलवेज बी विथ योर सेल्फ। बैठ जाइए।